अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम सऊदी अरबिया से। हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी हम लोग मदीना में हैं और जो हम लोग के मिलने वाले लोग आए थे, जो हाजी लोग उम्रा करने के लिए, उनके लिए कुछ खजूर वगैरह लेनी है। और अभी शाम का 4 बज रहा है और हम लोग चल रहे हैं मदीना हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे खजूर मंडी के लिए। तो अभी आप लोग को लेके चलता हूँ हरम में, उसके बाद लेके चलूँगा खजूर की मंडी में। तो चलते चलते आप लोगों को दिखा देता हूँ मदीने में जो होटल मिलता है हाजी लोग को, जिसमें वो लोग रहते हैं, जो करीब में लेते हैं। कुछ लोग को ये रोड के इस साइड में मिलता है, इस साइड में बिलाल मस्जिद है, और कुछ लोग को इधर मिलता है, इस साइड में हरम है। हरम के साइड में जो होटल मिलता है, ये सब है, इसमें रहते हैं हाजी लोग, ये सब होटल है। और अभी हम लोग रोड पे हैं, अंदर चल रहे हैं। अभी रोड से चलते चलते जाएंगे अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, ये सब होटल है, इसी में हाजी लोग रहते हैं, जो भी लोग आते हैं उमरा करने के लिए। ये एकदम करीब है बिल्कुल हरम शरीफ से, ये वाला जो होटल है बिल्कुल करीब है। और हम लोग को जो मिला है, जो हम लोग के मेहमान आए हैं वो काफ़ी दूर है, तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं रास्ते में। कम से कम पैदल आने में वहाँ से 15 मिनट का टाइम लगता है जो हम लोग को मिला है। और ये सब जो होटल मेरे पीछे दिख रहा है और साइड में दिख रहा है, इसमें से मुमकिन 2 मिनट में आप पहुँच जाओगे हरम। इसका थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है और जो दूर है उसका थोड़ा पैसा कम लगता है। अभी और करीब आ गया हूँ हरम के, और ये जो होटल है बिल्कुल बाजू में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर ये सारी गली में, ये सारा जो भी दिख रहा है वो सारे होटल हैं। पीछे भी गली में सारे होटल हैं और इधर भी सारे होटल हैं, इसमें सब हाजी लोग आती है। सामने जो दिख रहा है ये हरम है और हम लोग बस अंदर पहुँचने वाले हैं। तो जितना करीब में, जैसे कि मैं बता रहा था, मैं पूछा हूँ कई लोगों से, पता किया हूँ यहाँ के जो रहने वाले हैं, तो हम लोग को बहुत दूर मिला था इसके बारे में मैंने पूछा। हम लोग के साथ कुछ जो इंडिया से लोग आए हुए हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको यहाँ से वहाँ चल के आने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनसे मैंने बात किया, पूछा, तो बोल रहे थे कि ज़्यादा इसलिए है, ये करीब में है तो इसका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और जो दूर है उसका कम लगता है। तो माशाल्लाह, ये देखिए नज़ारा, मैं पहुँच गया हूँ अभी हरम शरीफ के बाहर हूँ, अभी अंदर जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ पूरा। और इस जगह पे इतनी भीड़ हमेशा मिलती है, कभी भी आप आओगे ऑल टाइम तो यहाँ पे भीड़ ही मिलेगी। सारे लोग यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और इस साइड में जन्नतुल बकी है और इस साइड में है हरम शरीफ। और एक ख़ास बात बताता हूँ आप लोगों को, ये जो खुला हुआ ये अम्ब्रेला दिख रहा है छतरी, ये जैसे ही धूप ख़त्म होती है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जैसी धूप आती है ऑटोमेटिक खुल जाती है। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और ये देख रहे हैं बहुत सारी भीड़, लोग एकदम जमा हुए हैं। निकला था क्या? अभी मैं भी इसी में हूँ और हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाए, देर हो गई आने से। हम लोग अभी वजू करके जाएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। इस जगह पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, जितने भी मुस्लिम हैं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे हैं। एक कंट्री का ये एक जगह पे ये लोग हैं, जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी हर तरफ भीड़ भाड़। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है यहाँ से, जैसे फिर लोग आते हैं तो फिर बजाने का दिल नहीं करता, लेकिन लोग दूर से आते हैं, जाना तो पड़ेगा। जैसे मैं आया हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जाना तो है ही है। तो यहाँ पे आया था तो पहले जमजम का पानी पी लेता हूँ। ये मेरे पीछे सारे लोग जमजम का पानी भर रहे हैं। हरम शरीफ में हर जगह आपको जमजम का पानी मिलेगा, हर जगह रखा हुआ है सिर्फ जमजम। ये है मस्जिद नबवी, देख सकते हो कितनी प्यारी और काफ़ी बड़ी मस्जिद है मदीने की। कितने लोग बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। ये सारा इसमें जमजम का पानी रखा हुआ है सारा। और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है और खूबसूरत भी काफ़ी है। देखिए ये हमारे साथ के लोग हैं, ये मेरा भांजा है, ये दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं, ये मामू हैं।
कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिया हूँ, अभी मैं मस्जिद नबी में हूँ और मेरे सामने गुम्बद खजरा है। ये जो अम्ब्रेला लगा है उसके जैसे क्लियर दिखेगा नहीं, और जस्ट सामने जो दिखा रहा हूँ इसी के अंदर जो जन्नत है, और आगे जाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत है। और अभी हम लोग इसी में रुके हुए हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा भाई पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे रास्ता है, कैसे जाना है। फोटो नहीं क्या कीजिए, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं यही दुआ करूँगा बाहर जाते जाते कि अल्लाह ताला हर मुस्लिम भाई को यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए, सब लोग आएँ और देखें और ज्यारत करें, क्योंकि यहाँ पे हर दुनिया के कोने से आदमी आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं खजूर की मार्केट में, इधर भी सब मार्केट है, जैसे लेडीज़ की ज़रूरत का सामान, चूड़ी कंगन पर्स वगैरह, बच्चों का खुशबू सुरमा का, ड्राई फ्रूट डेट्स खजूर सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, कुरान हर एक। ये पूरी मार्केट एरिया है, ये पूरी एरिया में मार्केट लगी हुई है, लेकिन हम लोगों को ये मार्केट नहीं चाहिए। हम लोग ये सब होटल है जिसमें हाजी लोग रुकते हैं, ये अलग साइड पर मैं आ गया हूँ, अभी मैं पीछे हूँ हरम से। निकाब के दुकान पर रुके हुए हैं, हिजाब के ये ले रहे हैं अपने भाई जो हैं किसी के लिए, देख रहे हैं छोटे बच्चों का है ये। तो हम लोग फिर से निकल गए हरम की तरफ, अब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और भाई लोग ने ले लिया है एक जानमाज़ छोटे बच्चों की, ये लोग जा रहे हैं आगे आगे, ये लोग ले रहे थे तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। ये देखिए जो कार्ड मिला था जो बता रहा था, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के और भी सामान लेना है, मेरे भांजे को खुशबू लेनी है ना, कौन सी नाम बताओ, देख रहे ये इतना जल्दी जल्दी भूल जाता है, इसका इलाज करना पड़ेगा इसकी हंस रहा है, इसको लेना है जन्नतुल फिरदौस, और मुझे भी लेना है अपने लिए, तो अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो रेडी हो ना जाने के लिए, अभी इधर जमजम पानी है, हम लोग भी थक गए हैं, अब चलेंगे थोड़ा जमजम पानी पियेंगे, और ये लोग पी रहे हैं जमजम पानी, और हम लोग भी अभी पियेंगे जमजम का पानी, प्यास लग गई है, जमजम पानी पी लिए भाई, पानी निकालो, नहीं नहीं प्यास नहीं। तो जमजम का पानी पी लिए हम लोग, अब जा रहे हैं अंदर, और दो तीन बंदे मिले हैं, पूछ रहे हैं कि आप यूट्यूबर हो, आप ब्लॉगर हो, उनसे बताया हाँ, और कल परसों हम लोग होटल में गए थे खाना खाने के लिए, तो उन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हमारे चैनल को, और अच्छा लगता है इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहेंगे। और हम देखिए यही आया, जब मैं आया था तो अंधेरा नहीं हुआ था, अभी रात हो गई है माशाल्लाह से। अभी हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले हैं, और ये देखिए गुंबद खजरा है, और मगरिब के बाद का ये नज़ारा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, ये सारी जो लाइन लगी हुई है ज़ियारत करने के लिए लगी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे, क्योंकि राजू जन्ना जाना था हम लोगों को, और हम लोगों को पता नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं लिए थे, तो अंदर नहीं जा पाए ज़्यारत करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं सामने रियल मस्जिद है, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है। हम लोग अभी लिए तस्बीह, एक पीस 2 रियाल का है, अभी लिए हैं इसी दुकान से, और एक जानवाज लिए हैं, एक दूसरी कंट्री का है,
रेकमेंड इन तुर्की। चलो, जैसे कि हम लोग मार्केट जाने वाले थे और हरम में थे और बिलाल मस्जिद के भी मार्केट में गए थे, तो खजूर वाले मार्केट में नहीं गए। एक भाई थे जो आने वाले थे, लेकर जाने वाले थे, बोले अभी मुझे टाइम नहीं है, जुमे के दिन लेके जाएंगे। तो ये मैंगो आइसक्रीम ली है, इधर गाड़ी थे, इधर पीस थी और काफ़ी टेस्टी है और अच्छी है, और इसको हम लोग अभी खा रहे हैं। आइसक्रीम ये लोग भी खा रहे हैं। कैसी है आइसक्रीम का टेस्ट, कैसा है? बहुत प्यारी है। मैं बोल रहा था ना मैंगो फ्लेवर ले लो। सही है, मुझे के भी अच्छी होती है, स्ट्रॉबेरी भी अच्छी होती है, लेकिन हम लोग स्ट्रॉबेरी वाला लेमन पी लिए थे दोपहर में। ये वही स्ट्रॉबेरी अभी अंदर गई, हम मैंगो डालेंगे। स्ट्रॉबेरी भी अच्छी होती है, थोड़ा गला ठंडा हो जाएगा ना। तो आप भी फ्रेश हो जाएंगे। टेस्ट अच्छा है, थकान दूर। आइसक्रीम खाओ, थकान दूर करो। ये रही वो गाड़ी जिसके हम लोग आइसक्रीम लिए हैं।